और फिर जब मुझे पता है कैसे पता चला कि मलाई इस दूध में जमती है कि नहीं जमती है, जब 2 दिन के लिए हमारे घर के मुखिया कहीं गए, अब फिर पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। 2 दिन फिर हमने दूध को गर्म किया, हमको मलाई दिखी और अच्छी मोटी परत दिखी। हम वही सोचते थे यार मलाई भी इसमें जमती है फिर सुबह सुबह गायब कैसे हो जाती, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का सभी का वेलकम है हमारे आज के व्लॉग में और सभी को राधे राधे। मॉर्निंग का टाइम है, करीब 9:30 बज रहा है। सिलेंडर वगैरह इसलिए फैलर रखा है क्योंकि पंखे को छूने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो सिलेंडर में चढ़ करके खाली सिलेंडर था तो ठीक करवाया है। और ये जो नट बोल्ट पूरा, यानी कि पंखा गिरने की बिल्कुल तैयारी में था, बट हम लोगों ने देख लिया और हम लोग तभी से सतर्क हो गए कि पंखा अब हम लोगों को चालू नहीं करना है, वरना ये ना सच में घूमते घूमते कहाँ गिरता पता नहीं चलता। ये चाय है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह से मैं क्या कि मेरे क्या क्या काम पेंडिंग है, तो मैंने यानी कॉल किया, ये भैया को कॉल किया कि भैया आज सुधार दो, आप ये फ़ैन ठीक कर दो। तो वो यानी कि देखो सभी लोग अपने अपने लाइफ में व्यस्त है, सबके काम है। तो बोले कि अगर हम कल आएँ तो मैंने नहीं भैया आप आज आ जाओ। तो फिर अभी वो आ ही रहे, यानी उनको कहीं और जाना था पर सबसे पहले यहाँ पर आकर के काम कर दिया। नट वगैरह भी नहीं थे तो वही मैंने बोल दिया था भैया आप ही ले आना, तो लेकर के आके और लगा के और मैंने उनको पेमेंट कर दिया। बाकी अभी सारा घर का काम हो गया है, इसी कमरे में थोड़ा सा कचरा हुआ इसके कारण से, तो श्रेया साफ कर देगी। बाकी मैं बैठ रही हूँ अपना यानी काम लेकर के। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। सारा कुछ अच्छे से हो जाए, ये कुछ दिन की है। मैं लोड तो ले लेती हूँ पर लोड लेना भी ज़रूरी है। जब तक हम उस बात का टेंशन नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्व कैसे होगा? टेंशन लेंगे तब तो उस चीज़ पर हम मेहनत करेंगे कि नहीं ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। तो मेरी क्या आदत है, मैं टेंशन लेती हूँ क्योंकि उसमें उस चीज़ पर मेरा दिमाग ना 100% काम करता है। टेंशन नहीं लूँगी तो फिर उस चीज़ को मैं छोड़ दूँगी, ऐसे सुस्तीपन सा छा जाएगा। इसलिए टेंशन लो और अपना पूरा फोकस 100% उसमें दो, फोकस करो कि हाँ ये चीज़ हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ़ैन सुधर तो गया था पर इसका कंडेंसर जो था वो ना होल्डर से निकल गया था और खट खट की आवाज़ फिर आने लगी। हम डर गए कि न्यू नट वगैरह जो नट बोल्ट थे न्यू लगाया है, पर हुआ क्या इसमें ऐसा? फिर से वो भैया को बुलाया और मैंने फिर से इसको ठीक करवाया है। चारो जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नानिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत तो कल मैंने थोड़ा ही शूट किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे आज की मॉर्निंग आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर श्रेया देखो कार्टून देख रही सुबह सुबह से, अभी बैठ गई थी पेंटिंग करने के लिए और उसके बाद अब कार्टून देख रही है। श्रेया खाना चढ़ा दिया है? तो दाल चावल मैंने बोला है, दाल चावल तुम सिंपल सा बना लो, पूजा पाठ हो गई है हमारी और हम इधर आकर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ना मैं हॉस्टल का सर्च कर रही थी कि मुझे कोई हॉस्टल मिल जाता, मैं और श्रेया वहाँ रह लेंगे। तो इस बार मन सा नहीं है मेरा मायके जाने का, तो मैं हॉस्टल का पता कर रही थी, देखते हैं कहाँ कैसा मिलता है। आ गए हैं हम किचन में और श्रेया से मैंने पहले ही बोल दिया था कि श्रेया वो क्या बनाया जाए, तो हम लोग पहले ना आपस में चर्चा कर लेते हैं कि क्या बनाया जाए। तो हमने बोले श्रेया गर्मी का टाइम है ना, हल्का फुल्का खाना ठीक लगता है, तो सब्जी नहीं दाल चावल बना रहे हैं। श्रेया ने बॉईल कर दिया है तो हम छौंक लगाने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, दाल चावल श्रेया ने बॉईल कर दिया है, चावल बन गया है, दाल भी बॉईल हो गई है, अब छौंक लगाना है। तो लहसुन प्याज नहीं डलेगा, सिर्फ जीरा और टमाटर से छौंक लगाएंगे और खाना बन जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी।
और जो मैंने अचार डाला था वो अचार ये है, जो कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और दिखने में भी बड़ा बढ़िया है और पक गया है, यानी कि अब रेडी हो चुका है। काफ़ी दिन से मैं खा रही हूँ इसे, शायद नहीं खिला रहे हैं क्योंकि इसमें ना लहसुन मिक्स है। मैं इसे हिला देती हूँ और इसमें ना ऑयल की मात्रा कम है, सरसों के ऑयल से ये बना हुआ है जो कि बहुत टेस्टी है। बोलते हैं आम के अचार में अगर लहसुन कूट के डाल दो ना तो बढ़िया फ्लेवर आता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हार नहीं मानना चाहिए। और हमारी लाइफ अभी ऐसी चल रही है ना, तो हमें हार जीत ज़्यादा लगा रहता है, इसलिए हमारे हर ब्लॉग में यही होता है कि हार नहीं मानना है और लाइफ ऐसी है तो क्या कर सकते, वो वाली लाइफ नहीं है ना। देखो गर्मियों की छुट्टी है, बच्चों की, हर महिलाएं अपने अपने मायके जा रही हैं और मायके में अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं, हमारी वो लाइफ है ही नहीं है। और यहाँ यानी कि पति हस्बैंड इंतज़ार करता है कि चलो अब एक महीने रह लिया वह आएगी, तो वो अलग थोड़ा सा, यानी कि सभी की लाइफ में कोई अनोखा नहीं है, हमने भी ये पल जिया है तो हमको भी वो पहले के दिन याद आते हैं। तो अभी कुछ नहीं है ना हमारा, यानी पहले ऐसा होता था जब हम जाते थे तो शुक्ला जी छोड़ने जाते थे, लेने आते थे, कब तक आएगी ये वो, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बट अब तो कुछ नहीं है ना, कोई पूछने वाला कब जा रही हो कब आ रही हो। और अब पहले जैसा, सच बताऊँ तो मायके में भी स्वागत सत्कार नहीं होता है हमारा, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले हस्बैंड थे तो अलग ही इमेज बनी रहती है, पहले बहुत कुछ होता था, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो कुछ चीज़ें रहती है जो मैं नहीं शेयर करती हूँ और ये बात मेरे लिए नॉर्मल है, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है। क्या कर सकते हैं, नसीब नसीब की बात है। मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है या फिर और लोगों के साथ होता है, वक्त के साथ ना सभी लोग बदल जाते हैं, सिर्फ एक माँ को छोड़ करके। माँ है जो कभी नहीं बदलती है, बाकी सारे रिश्ते ना मुंह फेर लेते हैं और अपना अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, जो हम भूले भटके गलत फैमिली में जीते हैं। तो दाल में छौंक लगा दिया है मैंने, तो ढक दी हूँ, पक रही है, वैसे तो पक चुकी है अच्छे से, पर थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। बच्ची ने ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, तो वो गाढ़ी हो जाएगी। तो चलते हैं उस रूम में, थोड़ा सा बॉटल रखी हुई थी तो पानी पी लेते हैं। सारे रिश्ते बदल जाते हैं पर माँ क्यों नहीं बदलती, ये नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर मैं पानी पीते पीते मेरी नज़र ऊपर गई और मुझे जाला दिखा, तो मैंने बोला चलो इसको साफ कर लेते हैं। जाले वगैरह साफ करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है, घर भी अच्छा दिखता है, वरना ये डिज़ाइन दिखने लगती है अजीब तरह के कि यानी कि जाले हो गए थे। तो हमने बोला चलो आज साफ कर देते हैं, तो हमारा सारा काम हो गया था, तो हम मैंने बोला चलो यहाँ पर झाड़ू मार देते हैं। तो मैं वही बोल रही थी, आगे आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँगी, छोटी सी है, एक पार्ट है, जो कि कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में कि अनोखी हैं और याद आता है, जो टीवी मूवी में देखा करते हैं सीरियल में देखा करते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ हुई है ना, तो वो मैं कभी कभी ऐसे शेयर कर देती हूँ, तो मैंने आज के ब्लॉग में शेयर किया है। तो यहाँ पर आके मैं बैठ गई थी, श्रेया की मॉर्निंग हुई है तो खाली पेट दवाई जो होती है वो दे दी है, और यहाँ पर वो एक सीरियल आता है तो वो देख रही है। अभी तो श्रेया सच बताऊँ तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, बस अभी कुछ दिन बाद ये व्यस्त हो जाएगी और मैं तो व्यस्त चल रही हूँ, मेरी कहाँ गर्मी की छुट्टियाँ, सब निकल गई, इस बार धोखा हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं यानी कि अभी शाम का टाइम है तो मैं आ गई हूँ, बर्तन वगैरह धोए मैंने और मैंने बोला चलो सिंक साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन साफ़ करते करते एक चीज़ याद आ गई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बर्तन मैंने सारे धो दिए, बॉटलें खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि पानी आया था, बीच में लाइट गोल हो गई तो फिर पानी भी चला गया, लाइट आ गई पर पानी नहीं आया। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये खिड़की है और इस खिड़की में किसी का भी हाथ आ सकता है, कुछ भी कुछ कोई मिला सकता है, इसलिए हम भरोसा नहीं करते। जब भी हम खिड़की खोलते हैं तो खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर रखते ही नहीं हैं, भरोसा नहीं है ना, कोई कुछ क्या मिला दे क्या नहीं मिला दे, हमेशा पॉजिटिव नहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचना चाहिए। और एक दिन ऐसा था कि मैं बर्तन धो रही थी तो अभी मुझे कप में शक्कर शक्कर दिखी,
तो मैंने बोला शक्कर कैसा है यार, तो मैंने श्रेया से बोला, श्रेया तूने कप में कुछ पिया था क्या? तो बोली हाँ मम्मी दूध लिया था मैंने। बोली मम्मी उसमें मलाई दिखी तो मेरा मन किया, वैसे वो पीती नहीं है, उसको मना मना के थक जाओ नहीं पीती, मोड़ के ऊपर है। तो मैंने बोली वेरी गुड बेटा, जब भी तेरी इच्छा हो तो ऐसे ले लिया करो, पी लिया कर। तो मुझे बस, मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे याद आया कि एक दिन ऐसा था कि हमारे यहाँ डेली दूध आता था जब जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमने कभी उस दूध में, हमको ऐसा लगता था कि जैसे कि उस दूध में मलाई ही नहीं जमती है, तो हमको लगता था कि शायद पतला दूध ऐसे ही आता है पानी मिक्स होकर के, तो मलाई नहीं जमती होगी। और श्रेया को मलाई बहुत पसंद थी छोटे से, हालांकि फिर क्या है जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो फिर उससे घृणा टाइप की हो जाती है। जैसे मुझे भी कई चीज़ों से हुई है कि जो चीज़ मुझे पसंद थी फिर ना मिलने पर उससे ना घृणा हो गई, तो उसको भी अब मलाई दूध वगैरह अच्छा नहीं लगता है। बचपन में मलाई बहुत मांगती थी, इतनी सी भी मिल जाती थी ना वो खुश हो जाती थी, चाय में थोड़ी सी डाल दो, बट जो दूध आता था तो उसमें मलाई नहीं दिखती थी, तो बच्ची को मैं कहाँ से दूँ? तो चाय अकेली और दूध तो नसीब होता ही नहीं था, सही बताऊँ तो बहुत कम है कि कहीं से ज़्यादा दूध आ गया तो थोड़ा बहुत मिल गया, वरना मुश्किल है, मिलता ही नहीं था। तो दूध वो जानती ही नहीं थी कि ऐसे बच्चे जैसे टी वी वगैरह में दिखाते हैं, बड़े बड़े घर के पीते हैं दूध, पीते हैं ग्लास भर भर के, उनका रूटीन में रहता है कि शाम को पीना है या फिर सुबह पीना है, स्कूल जाते हैं पीते हैं ये वो, तो हमारी श्रेया को ऐसा कुछ भी नहीं मिला और हम तो मजबूर थे। आज ऐसा दिन है कि वो लड़की दूध नहीं पीती है, फ्रिज में रखा रहता है, गर्म करके इतना रखा रहता है, सिर्फ हमारी दो टाइम चाय बनती है और रखा रहता है, भले ही हम जितना भी दूध लेते हैं पर ना रखा रहता है दूध। और फिर जब मुझे पता है कैसे पता चला कि मलाई इस दूध में जमती है कि नहीं जमती है, जब दो दिन के लिए हमारे घर के मुखिया कहीं गए, अब फिर पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, दो दिन फिर हमने दूध को गर्म किया, हमको मलाई दिखी और अच्छी मोटी परत दिखी, हम वही सोचते थे यार मलाई तो इसमें जमती है फिर सुबह सुबह गायब कैसे हो जाती, क्योंकि हमारा रूम ऊपर था और हम करीब 7 बजे सुबह किचन में जाते थे चाय बनाने के लिए, तो जब तक मलाई गायब हो जाती थी। रहता है किसी के हमारे लाइफ में, अनोखी बात नहीं है, कई घरों में ऐसा होता है। ये क्या है जो हमारे क्या बोलेंगे सियाने या पहले के ज़माने के जो लोग थे ना, ऐसी यानी कि हरकतें करते थे, तो वो कहीं कहीं चली आ रही है। तो हमने भी ये चीज़ देखी है, ये टीवी मूवी में देखा जाता था, जैसे घर घर जैसे मूवी रहती है घर संसार हो गई, तो कुछ कुछ चीज़ें कई लोग करते थे ऐसा कि ताला डाल के रखना, किचन में पाबंदी है, चीज़ें छुपा छुपा के, कि चीज़ें गिन गिन के देना, नाप तौल के देना, तो ये चीज़ें हमने भी देखी है। वही चीज़ याद आई हमको, मैंने भी आज शेयर करते हैं, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं सुहाना ने।